अटलांटिक महासागर में गुम हुई पनडुब्बी को लेकर यह बड़ी खबर आई है। पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए पनडुब्बी ले जा रही थी, लेकिन यह पनडुब्बी अब लापता हो चुकी है। पनडुब्बी में सवार 5 पर्यटक लापता हैं। अटलांटिक महासागर में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये पनडुब्बी अचानक कैसे लापता हो गई है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि पर्यटकों को लेकर ये पनडुब्बी जा रही थी टाइटैनिक का मलबा दिखाने, और टाइटैनिक का मलबा दिखाने के बाद कैसे ये पनडुब्बी गायब हो गई। 5 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं, जहां महासागर में लापता होने को लेकर बड़ी खबर आई, और इस बीच सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में और डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि कहां पर गायब हुई है पनडुब्बी, ये एक बड़ी खबर सामने आई थी, और किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां टाइटैनिक के मलबे तक पर्यटकों को ले जाने वाली सबमरीन के लापता होने को लेकर ये बड़ी खबर आई है। अटलांटिक महासागर में ये पनडुब्बी लापता हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक इसके गायब होने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि पनडुब्बी में 5 लोग सवार बताए गए, और जिनमें से पनडुब्बी को खोजने के लिए एक बड़ा अभियान भी अब चलाया जा रहा है, और पनडुब्बी महासागर से लापता हुई है। कैसे लापता हो गई इस बारे में फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि पनडुब्बी जिस तरीके से टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर जा रही थी, उसी को लेकर यह बड़ी खबर आई थी। आपको बता दें, इस बीच ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की जब टाइटैनिक डूबा था, और अब ये वो तस्वीर सामने आई है जब पनडुब्बी गायब हो चुकी है, और उसके बाद बड़े स्तर पर यह पूरा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, क्योंकि पर्यटकों को लेकर यही इसके बिल्कुल नजदीक टाइटैनिक का जहां पर मलबा होता है वही दिखाने के लिए ये पनडुब्बी को लेकर गए थे। 5 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं, लेकिन पनडुब्बी अचानक लापता हो गई, गायब हो गई, और अब उसी के तहत ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और इसी सर्च ऑपरेशन के तहत ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो ऐसी कौन सी जगह है जहां से अचानक इस महासागर से ये गायब हो गई। हालांकि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पर्यटक जिस तरीके से पनडुब्बी में सवार होकर अटलांटिक महासागर जाते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट नीचे ये मलबा है, और इसी को देखने के लिए ये पनडुब्बी में लोग यहां से जाते हैं, जहां कनाडा के ही न्यूफाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, और $2.5 लाख लगाकर मलबा देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। और महत्वपूर्ण ये भी है कि टाइटैनिक तक पहुंचने और वापस आने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि इसे ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है कि लास्ट लोकेशन इसकी क्या थी। पनडुब्बी में एक पायलट, 3 पेइंग गेस्ट और एक एक्सपर्ट सवार था, और इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि अचानक लापता जिस तरीके से ये पनडुब्बी हुई है, उसके बाद अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस महासागर से कैसे ये पनडुब्बी गायब हो गई।